हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं कलेक्शन ऑफ टॉयज। और आज का जो टॉयज का कलेक्शन है काफ़ी कमाल होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपके लिए लेके आऊँ काफ़ी कुछ। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ कंटेनर, देख सकते हो आप, मुझे कॉन्क्रीट कंटेनर यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद एक पुलिस की बस लेके आया हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद एक हमारी थार रेंगलर जीप है, छोटी जीप है। उसके बाद एक मेरे पास बिग रेंगलर जीप भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उसके बाद एक मैं आपके लिए लेके आऊँ मॉन्स्टर ट्रक। और लास्ट नॉट द लिस्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ पुलिस की बाय। तो आज हम इन सबके रिव्यू करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाके चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो, जिससे कि मैं जब भी कोई नया हमारा टॉयज का वीडियो लेके आऊँगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो चलिए बिना किसी देर के जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले पिक करते हैं हमारी ये मिनी रेंगलर जीप को, देख सकते हो काफ़ी कमाल की है। ब्लैक कलर की है, एवेंजर से ब्लैक पैंथर बना हुआ है, और पूरा लुक जो है यहाँ पे आपको ब्लैक पैंथर का दिख रहा है। यहाँ पे टायर भी इसके काफ़ी कमाल के हैं, और ये जो है काफ़ी चीपेस्ट प्राइस में मैंने इसको परचेस करी है, और पूरी मेटल की। आप देख सकते हैं इसको ट्रांसपेरेंट यहाँ पे ऊपर छत ग्लास दे रखे हैं। तो इसको चलाना कैसे आपको देखिए, आपको इसको पीछे कर भी सकते हो, या फिर इसको आगे इस तरीके से रखकर दोगे ऑटोमेटिक चलेगी। वो काफ़ी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। मैंने इसको ऑफलाइन मार्केट में परचेस करा है। इसके देखिए यहाँ पे खास बात, इसके डोर्स भी यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सील्ड भी दिख रही है, इधर का भी मैं डोर्स यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। आई थिंक मुझे नेल चाहिए इसके लिए आपको, तो वो यहाँ पे घुस के इस तरीके से ओपन हो जाएगा। देखिए ये भी ओपन हो रहा है, आई थिंक इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए इसको इस तरीके से ओपन करना है, मैं यहाँ से इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार। बाकी उसके अलावा यहाँ पे आप कांच गिलास वगैरह सब कुछ देख सकते हो, सब काफ़ी कमाल का दे रखा है यहाँ पे। इसकी क्वालिटी जो है काफ़ी उमदा क्वालिटी की है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे डोर्स जो मैंने यह वाला ओपन करा था, आप सिमिलर तरीके से डोर्स यहाँ का भी ओपन हो जाएगा। अभी हो नहीं रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छी। अगर आपको छोटी हमारी रेंगलर जीप पसंद आए तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए इसको रखते हैं साइड में। अब आते हैं हमारे अगले टॉयज के ऊपर, किसको पिक करें, हमारा कंटेनर। देखिए काफ़ी कमाल का, काफ़ी छोटा है साइज़ में। मैंने इसको भी ऑफलाइन मार्केट में परचेस करा। इसका बॉक्स देख सकते हो आप, इसको जूनियर कलेक्शन यहाँ पे दे रखा हो। इस पर 3+, मतलब 3 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे इसको यूज़ करें, उससे कम उम्र के इसको यूज़ ना करें। इसमें डिफरेंट कलर टाइप्स के कलर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट है, वाइट ब्लू है, यहाँ पे देख सकते हो आप इसको येलो वाइट है, यहाँ पे पूरा येलो है, यहाँ पे रेड वाइट है, यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा सीमेंट मिक्सचर है, यहाँ पे फायर इंजन। तो इस तरीके से जो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कंटेनर मिलते हैं। तो आपको जो पसंद है आप मुझे नीचे कमेंट करके डेफिनेटली बताइए। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ ओपन। देखिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ इसको ओपन, और अब निकालते हैं हमारे कंटेनर को बाहर। वाओ, देख सकते हो कितना कमाल का हो रहा है, ज़बरदस्त है। पूरा इसका कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी कमाल का लग रहा है। तो इसको भी मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। अब देखिए इसको पूरा सीमेंट मिक्सचर जो है काफ़ी कमाल का, और गोल घूम भी रहा है। देखिए राउंड राउंड यहाँ से घूम भी रहा है पीछे। यहाँ से आप मिक्सचर डाल के इसको मिक्स कर सकते हैं, यहाँ से सब मिक्सचर जो है बाहर भी आ। ओह ये देखिए, ये भी पूरा टिल्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से जो भी गिरेगा वो धीरे धीरे इस तरफ लेना आप ऑटोमेटिक ले सकते हैं। मिक्सचर काफ़ी कमाल का है। फ्रंट में देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे ग्लास दे रखा है, आसपास तो विंडो दे रखी है, यहाँ पे लाइट वगैरह दे रखी है। और इसको आई थिंक ये बैक करके चलेगा, आई थिंक ये देखिए इसको आपको इस तरीके से चलाना रखा। देखिए वाह है ना कमाल का, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कलर इसका काफ़ी अच्छा है, ऑरेंज और यहाँ पे वाइट दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको पसंद आया हमारा मिक्सर कंटेनर तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए। ट्रक पसंद आया तो इसको भी रखते हैं साइड में। आते हैं हमारे अगले टॉयज की तरफ, जो कि हमारी अब कौन सा पिक करा आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। हमारी बाइक, पुलिस की बाइक को हम यहाँ पे पिक करते हो, देख सकते हो आप इसको पुलिस की बाइक। वाओ रेड सॉरी ब्लू और वाइट में काफ़ी कमाल की दिख रही है। हमारी पूरी यूएसए की पुलिस दिख रही है यहाँ पे। बाइक भी बिल्कुल वैसे ही है, बिल्ड क्वालिटी की बाइक की काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे देख सकते हो आप इसको, यहाँ पे लाइट वगैरह दे रखी है, एलईडी लाइट है यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे इंजन में भी लाइट यहाँ पे जलेगी, और फ्रंट में भी आई थिंक लाइट होगी। तो चलिए इसमें भी हम यहाँ पे इसके अंदर बैटरीज भी लगती थी, मैं आपको लगा के बताता हूँ, और किस तरह की चलती वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अगर आपको पसंद आई तो आप मुझे नीचे कमेंट करके डेफिनेटली बताएं, क्योंकि मैंने इसको ऑफलाइन मार्केट में परचेस कराया,
अगर आपको उसको चाहिए या कोई सा भी टॉयस आपको चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसकी आपको ऑनलाइन भी लिंक शेयर करूँगा जिससे आप उसको काफ़ी चीपेस्ट प्राइस में परचेस कर सकते हैं। तो भाई साहब इसको मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 AA साइज़ की बैटरी लगेगी। तो अभी क्या है, मैं अभी आपके लिए लेके आया, यहाँ पे मैं ले आया हूँ 1, 2 लास्ट नॉट द लिस्ट हमारी 3, तो 3 को हम यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद इसको हम एक बार आपको चला के भी बताएंगे, तो जस्ट वेट एंड वॉच, दिल थाम कर बैठिए। तो इसका ऑन ऑफ का स्विच का बटन यहाँ पे देखिए, ओ वाह, देखिए अब इसका कलर कॉम्बिनेशन, तो इसमें लाइट जल रही है, यहाँ पे ग्रीन है उसके साथ साथ रेड है। सुनिए वाह, कुछ कह भी रहा है, मतलब पुलिस जो है कुछ कह भी रही है। और यहाँ से इसके रोटेटिंग व्हील से साउंड सुनिए, अब इसको चला के बताता हूँ आपको, देखिए वाह। अगर आपको मज़ा आया तो मुझे नीचे ज़रूर कमेंट करके डेफिनेटली बताइए, काफ़ी अच्छी लगी मुझे तो, काफ़ी कमाल की है, काफ़ी चीपेस्ट प्राइस की है। और पुलिस, अगर आप पुलिस के शौकीन हैं, अगर आपको पुलिस से डर लगता है तो भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक टॉय हो जाएगा वो काफ़ी कमाल का है। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी पुलिस हमारी टॉय बाइक, देखिए लाइट, देखिए यार लाइट भी काफ़ी ज़्यादा है इसका। चलिए इसको हम कर देते हैं यहाँ पे बंद, अगर आपको पसंद आइए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके डेफिनेटली बताइए, और आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। चलिए इसको मैं रख देता हूँ साइड में। तो चलिए आते हैं हमारे अगले टॉयज के ऊपर, जो कि है हमारी पुलिस की बस। वाह, देख सकते हो काफ़ी खूंखार दिख रही है, यहाँ पर लाइटिंग वगैरह, यहाँ पर सारी लाइट है, यहाँ पर लाइट है, हर एक जगह लाइट ही लाइट यहाँ पर दिख रही है। साथ ही इसका जो कलर है वो भी आई थिंक ब्लू और वाइट की दे रखा है यहाँ पे। फ्लैशिंग टॉप लाइट विथ आईसी साउंड एंड बम्प एंड गो, वाओ, साउंड लाइट सब कुछ दे रखा है। बैटरी ऑपरेटर है यहाँ पे, वो कलर वगैरह यहाँ पे दे नहीं रखा है, इसको किस तरीके से ऑपरेट करते हैं वो यहाँ पे दे रखा है। तो चलिए इसको भी मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, आपको बताता हूँ कि हमारी ये जो बस है वो किस तरह की दिखती है। देखिए मैंने यहाँ इसको ओपन करा, वाओ है ना कमाल की हमारी ब्लैक बस यार, देख सकते हो पूरे कांच इसके ब्लैक हैं, बाहर इसकी जो बॉडी है वाइट है, और ऊपर देख सकते हो पूरा ब्लू कलर का। आई थिंक ये घूमने वाले हैं, ये पता नहीं घूमेंगे कि नहीं। ये डोर्स इसके ओपन नहीं होते हैं, कांच यहाँ पे दे रखे हैं, इधर भी दे रखा है। ये रोटेटिंग व्हील्स है जिसके ऊपर अभी कैप लगी हुई है, और यहाँ पर आई थिंक ऑन ऑफ का स्विच दे रखा है, और ये है यहाँ पर बैटरी लगने का ऑप्शन यहाँ पर। तो कितनी लगेगी यहाँ पर, यहाँ पर आई थिंक कितनी, 3 AA साइज़ की बैटरी जहाँ पे लगेगी, तो वो भी मैं आपको लगा के बताऊँगा। तो अगर आपको ये लुक पसंद आया हमारी पुलिस की बस का, जो यहाँ पे मुजरिमों को भर के ले जाती है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी ये बस, टॉय बस है, पुलिस बस हो, काफ़ी लाजवाब हो, काफ़ी कमाल की है यार। ब्लैक अंदर से इसके कांच जो है वो भी पूरी तरीके से ब्लैक है। चलिए मैं इसको आपको नीचे चला के भी बताता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको कर लिया है ओपन, और अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3 AA साइज़ की बैटरी, तो कहीं जाइएगा नहीं, मैं अभी आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक लेके आया हूँ, ये देखिए इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, एक को यहाँ पे लगा दिया हमने, दूसरी लेके आया मैं यहाँ पे, तो ये दूसरी को यहाँ लगा दिया, लास्ट नॉट द लिस्ट को भी मैं यहाँ पर आपको लगा के बताता हूँ। ये हमने यहाँ पर कर दिया हमारी बस को क्लोज, और ये कर दिया हमने ऑन। साउंड सुनिए इसका, लाइट देखिए अब इसकी, हर एक जगह जैसा फोटो में रखा था बिल्कुल वैसे ही लाइट जल रही है इसके अंदर। साउंड आप देख सकते हैं, अंदर से आपको पूरा LED लाइट पूरी दिख रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो साउंड सुनिए, यहाँ डांस करने का मन करेगा मुझे लगता है आपका, करिए डांस करके बताइए। वाह, चलिए मैं इसको आपको नीचे चला के बताता हूँ, निकाल के यहाँ पे देखिए, यहाँ रख दिया मैंने इसको, काफ़ी तेज जा रही है देखिए। ओहो देखिए इधर, देखिए हमारे कैमरे पे भी मार दिया उसने लाइट ने, देखिए ओहो इधर ही आ रही है। तो अगर आपको ये पसंद आई है हमारी पुलिस की बस, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं करता हूँ बंद,
और इसको भी रखते हैं साइड में यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से पीछे से इसको रोटेटिंग व्हील को बंद कर देता हूँ और इसको रख देता हूँ साइड में। अब आते हैं हमारे अगले टॉयज के ऊपर, जो कि अब दो बचे हैं हमारे पास ऑफ रोडिंग व्हीकल्स है दोनों के दोनों यहाँ पे। ये भी देख सकते हो ब्रेंगलर जीप है ऑफ रोडिंग, ये है हमारी ऑफ रोडिंग मॉन्स्टर ट्रक। साथ ही साथ हमें यहाँ पे इसका रिमोट कंट्रोल भी मिला है। जहाँ से मतलब पिक करते हैं हमारी ऑफ रोडिंग मॉन्स्टर ट्रक को करते हैं। देखिए काफ़ी फ्लेक्सिबल है, देखिए पूरे के पूरे इसके आगे के शॉकअप जो है पूरे बैंड हो रहे हैं, पीछे के पूरे बैंड हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके टायर्स जो है वो देखिए इस तरीके से पूरे के पूरे दब रहे हैं। वाह देख सकते हैं इसको पूरे मतलब ऑफ रोडिंग टायर्स दे रखे हैं इसके, और साथ ही साथ इसमें हमें रिमोट भी दे रखा है यहाँ पे इसको चलाने के लिए। तो इसको भी मैंने ऑफलाइन मार्केट में परचेस किया। अगर आप ऑफ रोडिंग ट्रक के फैन है तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। काफ़ी खूखा है इसके अंदर, यहाँ पे बैटरी लगती है मैं आपको बता देता हूँ। इसके साथ हमें चार्जेबल बैटरी लगती है, अभी वो लगी हुई है। तो यहाँ पे देखिए इसकी फ्रंट लाइट यहाँ पे जलने लग गई है और ये इसका रिमोट कंट्रोल यहाँ पे दे रखा है। तो चलिए इसके अंदर मैं बैटरी इसको फिल करता हूँ और आपको फिर इसको नीचे चला के बताता हूँ। तो यहाँ से मैं इसके अंदर बैटरी लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक लगा दी और एक और मैं यहाँ पर लगा के इसको आपको चला के बता रहा हूँ। देखिए तो देखा आपने मॉन्स्टर ट्रक कितना खतरनाक चलता है, क्या स्पीड है उसकी। तो चलिए बात है हमारे एक और ऑफ रोडिंग व्हीकल्स के ऊपर, जो कि ऑफ रोडिंग की शान मान हमारी ब्रेंगलर जीप। इसको हम करते हैं अनबॉक्स और इसको आपको दिखाते हैं किस तरह की हमारी ब्रेंगलर जीप है। यहाँ पे देख सकते हो एक्सट्रीम, पूरी की पूरी एक्सट्रीम जीप बन रही है यहाँ पे। चलिए इसको मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ ऑफ अनबॉक्स और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि हमारी जीप किस तरह की है। तो सबसे पहले आपको इसको बॉक्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑफ रोडिंग दिखा हुआ है, यहाँ पे 6+ मतलब 6 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे इसको यूज करें क्योंकि काफी महंगा टॉयज है। इसके देखिए 1/18 स्केल रिमोट कंट्रोल ऑफ रोडिंग व्हीकल दे रखा है यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे बैटरी एंड चार्जर दोनों यहाँ पे आई थिंक चार्जर भी इसका दे रखा है, और काफ़ी अच्छी है। पीछे इसके सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं किस तरीके से दिखती है, क्या इसके किस तरीके से चलेगी। चलिए इसको मैं यहाँ से करता हूँ अनबॉक्स और उसके बाद मैं आपको इसको चला के बताऊंगा। तो जस्ट वेट एंड वॉच, कहीं जाइएगा नहीं। तो यहाँ से मैं इसको करने जा रहा हूँ अनबॉक्स। देखिए मैंने इसको खोल लिया यहाँ से बॉक्स को, तो यहाँ से इसको हम निकालने वाले हैं। तो देखिए इसके साथ मैं इसको कर देता हूँ अनबॉक्स, और यार देखिए बहुत कुछ निकल गया यहाँ से। वाओ देख सकते हो आप जीप यार कितनी कमाल की है ब्रेंगलर जीप। साथ ही साथ हमें इसका रिमोट कंट्रोल भी मिला है और साथ ही साथ हमें इसका एक चार्जर भी मिला है। तो सबको हम बारी बारी से आपको बताएंगे कि इसका क्या यूज है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम निकाल देते हैं हमारा रिमोट को, अलग कर लेते हैं यहाँ से। देखिए ये यहाँ पे इसको इसमें लगा के रखा है, देखिए इसको बाहर निकाला हमने, चार्जर दे रखा है और साथ ही साथ हमारी ब्रेंगलर जीप भी है। तो देखिए जीप जो है यहाँ से इसको हमने पैक करके रखा है, तो इसको मैं यहाँ से इस तरीके से खोल रहा हूँ, इसको मैं खोल लेता हूँ। ये खोल दिया मैंने इसको यहाँ से, ये खोल के इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये खुली यहाँ से एक, और इसको भी यहाँ से खोल लेते हैं। काफी खतरनाक हमें पैकिंग जो है इसकी काफी लॉक करके रखा है। साथ में हमें इसकी बैटरी भी मिलती है, देखिए हमें इसके साथ 3 बैटरी मिलती है, गिर चुकी है, मैं भी आपको दिखाता हूँ लेके। यहाँ से हमारी तीनों बैटरी जो है हमारी यहाँ पे चार्जेबल बैटरी है, यहाँ पे तीनों मिली हमें यहाँ पे। साथ ही साथ हमें एक चार्जर भी यहाँ पे मिला है इसके साथ, ये देख सकते हो, और एक रिमोट कंट्रोल मिला है यहाँ पे इसको ऑपरेट करने के लिए। तो इसका कलर बैटरी का कलर दोनों मैच हो रहा है, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। चलिए इसकी बिल्ड क्वालिटी पे सबसे पहले बात करते हैं इसकी। तो ये जो है पूरी ब्रेंगलर थार जैसी बनी हुई है, आप इसका ऊपर का टॉप देख सकते हैं। यहाँ से इसका एंटीना जो है इसको इन्होंने अंदर फोल्ड करके रखा है, इसको बाहर निकाल सकते हो, काफ़ी लंबा हो जाएगा इस तरीके से। पीछे इसके स्टेपनी जो रखी है, टायर जो है इसके काफ़ी रफ एंड टफ दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, और ये देखिए फ्लेक्सिबल है इसके व्हील्स, आई थिंक ये राइट एंड लेफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे 3 चार्जेबल बैटरी जो हमारे पास है वो लग जाएगी, और इसका चार्जर सॉकेट भी यहीं कहीं दे रखा है, एक मिनट में ये देखिए यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, ये जो इसका चार्जिंग इसका चार्जर है इसको आपको यहाँ पे इसको फिट करना है इस तरीके से, और इसको आपके बोर्ड में लगा के इसको चार्ज करना है। तो आई थिंक इसके इसको चार्ज करने के लिए आपको सबसे पहले इसके अंदर बैटरी लगानी होगी, तो अभी मैं आपको लगा के बताऊंगा। लेकिन पहले हम बात करते हैं इसके लुक की, लुक काफ़ी कमाल का है। फ्रंट लुक देखिए यार एकदम ब्रेंगलर लग रहा है, इसका जो बोनट है वो काफ़ी ब्रेंगलर से मिलता जुलता दिख रहा है, थार से भी मिल रहा है। यहाँ पर फ्रंट में ग्लास नहीं है इसके, पीछे देख सकते हो पूरा जो पूरा यहाँ पर 2x4 है, ये पूरी है 4x4 पूरी। यहाँ पर पीछे सीट नहीं लगी, आगे फ्रंट पर 2 सीट है,
वो कलर काफी हेवी है, मतलब मुझे हाथ में लेने के बाद काफी वजन इसका महसूस हो रहा है, मतलब काफी वेट है इसके अंदर। तो चलिए इसके अंदर बैंडेज लगाते हैं, उस पर इसको चला के बताते हैं तो कहीं जाएगा नहीं। अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि रिमोट कंट्रोल यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ये आगे ये पीछे ये राइट एंड लेफ्ट। रिमोट काफी लोगों मतलब इतना अच्छा नहीं दिख रहा, क्वालिटी काफी इसकी है, लो क्वालिटी का दिख रहा है मुझे रिमोट। ये ओपन एंड क्लोज इस तरीके से बता रहे हैं यहाँ पे। चलिए मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ ओपन, ये देखिए इसको आपको खींच ये करा मैंने, और यहाँ पे दो डबल साइज की बैटरी लगेगी तो मैं आपको लगा के बताता हूँ यहाँ पे। तो ये मैं ले आया हूँ दो डबल साइज की बैटरी, तो इसको लगा के अब चला के आपको बताते हैं। इसको यहाँ लगाया और इसको मैंने यहाँ फिट कर दिया, देखिए दोनों बैटरी लग चुकी है। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ लॉक, ये आई थिंक इस तरीके से लॉक होगा यहाँ पे जाने के बाद, ये देखिए ये लॉक आई थिंक, ये देखिए आपको इसको नीचे से दिखाना, ये देखिए इसको मैंने कर दिया लॉक। तो ये इसका रिमोट हो चुका है तैयार, यहाँ पे लाइट वगैरह कुछ भी नहीं दे रखी, तो इसका रिमोट जो मुझे काफी लो क्वालिटी का दिखा, यहाँ पे लाइट वगैरह देना थी कि रिमोट लाओ, बैटरी लग चुकी है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। तो चलिए आप एक बार इसको चला के देखते हैं कि इसकी स्पीड कैसी है। यहाँ से मैंने इसको ओपन करा, यहाँ पे इसके अंदर चार्जेबल बैटरी जो है वो लगाई मैंने यहाँ पे 2 और 3, ये देखिए वाह ऑटोमेटिक लाइट इसकी जलने लग गई, क्योंकि यहाँ पे इसके स्विच ऑन था, इसको मैं कर देता हूँ बंद। और यहाँ से इसको लगाते हैं और इस चार्जर को हम यहाँ पे भी 2 मिनट वास्ते दूर हटाते हैं, उसके बाद इसको यहाँ पे एक बार चला के आपको दिखाते हैं। सो गाइस मैंने इसको चार्ज कर लिया है बैटरी को, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, आप इसको चलाते हैं। देखिए आगे पीछे ये देखिए राइट लेफ्ट भी होगी, यहाँ पे देखिए ये पीछे आ रही है, लेफ्ट करके भी पीछे आ रही है, देखिए आगे जा रही है घुमाते हुए। तो चलिए मैं इसको आपको नीचे चला के बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये घास वाली हमारी मैट बिछी हुई है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, इसको नीचे चलाते हैं और देखते हैं इसकी स्पीड क्या है। तो लेट्स गो। सो गाइस इसके अंदर में जो एक यूनिक चीज थी वो मैं आपको बताना भूल गया, वो क्या था, वो ये था कि आप इसका जो डोर से देखिए इसको आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। देखिए आपको इसको ओपन करेंगे हल्का सा, यहाँ पे स्टीयरिंग दे रखा, सीट भी देखिए काफी अच्छी कमाल की रखी है, इस तरफ से भी आप इसको जब ओपन करेंगे देखिए, यहाँ से मैं ओपन करता हूँ, डोर इसके जो है काफी मजबूत तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि काफी मुझे ये लग रहा है कि रिस्की लग रहा है, बार बार इसको ओपन करके टूट सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक यहाँ से आपको अंदर जाना है, ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। इस तरीके से डोर्स दे रखे हैं, फर्स्ट टाइम में इस तरह के डोर्स किसी टॉयज में देख रहा हूँ, काफी अच्छा लगा मुझे। तो अगर आपके पास इस तरह की कार है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए अब इसके बाद नीचे चल के अच्छे से ट्रायल लेते हैं, टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से चलती है। तो चलिए लेट्स गो। देखिए काफी तेज जा रही है, स्पीड इसकी काफी अच्छी है, इसका कंट्रोलिंग जो काफी अच्छा दे रखा है रेंगलर जीप, लेकिन ऑफ रोडिंग है, इसको ऑफ रोडिंग भी चला के आपको दिखाएंगे। देखिए लाइट इसकी देखिए चमचमाती हुई इसकी लाइट है। इसके साथ एक और यूनिक चीज है कि इसके डोर्स भी ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं। देखिए इसके डोर हम आपको ओपन करके बता दें, देखिए एक बटन दे रखा है रिमोट में बीच वाला, वो जैसे आप प्रेस करोगे तो इसके डोर्स जो है ऑटोमेटिक ओपन क्लोज हो जाएंगे। अब चलिए इसको तेज चला के बताते हैं, हम आपको लॉन्ग जर्नी करके बताएंगे आपको इसे। देखिए काफी फास्ट टकरा गई यहाँ पे, अब रिवर्स जाएगी यहाँ से, देखिए रिवर्स करते हैं इसको यहाँ से। ओह वाओ देखा आपने, काफी फास्ट चलती है। तो आई होप आपको आज का हमारा टॉयज का कलेक्शन पसंद आया होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर कमेंट व्हाटएवर जो करना कर दो, लेकिन वीडियो को फैला दो। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उनको रीड करके उन पर वर्क करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं हमारे किसी अगले टॉयज के वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।